नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। इस साल हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सालों बाद गोल्ड मेडल दिलाने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई है। आज भारत के हर घर में बच्चे बच्चे की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है। आज सभी उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पसंदीदा खाने से लेकर उनकी ट्रेनिंग और वर्क एथिक आज लोगों की रुचि बन गया है। मगर शायद अब लोग यही तक नहीं रुकना चाहते और अब धीरे धीरे उनकी निजी जिंदगी में भी घुसना चाहते हैं। हाल ही में उनसे बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, या फिर वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो इस बात पर नीरज ने समझदारी वाला जवाब देते हुए कहा कि वो अभी अपने खेल पर ही पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं। मगर अब बात यहीं तक नहीं रुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान जाने माने डिजाइनर राजीव सेठी ने नीरज की खूबसूरती में कसीदे पढ़ते हुए उनसे पूछा कि कितने सुंदर नौजवान हैं, आज देश के करोड़ों लोग पूछना चाहते हैं तो मैं भी पूछ ही लेता हूँ, या आपकी जो एथलेटिक ट्रेनिंग है उसका आपकी सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बनाकर रखते हैं आप। मैं जानता हूँ ये बेहद बेहुदा प्रश्न है, मगर इसके पीछे एक बहुत सीरियस कनेक्शन है। इस सवाल को सुनते ही नीरज पूरी तरह से असहज हो गए और समझ नहीं पाए कि वो क्या जवाब दे। नीरज ने इस सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझा और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। राजीव सेठी ने उनको जवाब देने पर थोड़ा दबाव डाला, मगर नीरज नहीं माने और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि सवाल पूछना राजीव सेठी पर भारी पड़ गया, क्योंकि लोग अब उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने ये तक कहा कि ये एक तरह का नीरज का शोषण है, वो किसी को भी इस तरह से जवाब देने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।